आपको जरूर दिखाएगा। बीपीसीएल क्या है, इसके लिए लेटेस्ट डेवलपमेंट और क्या समझना चाहिए इसे डाइवेस्टमेंट के हिसाब से, आइए जानते हैं वरुण के साथ। वरुण बताइए क्या चल रहा है अब बीपीसीएल में। डेफिनेटली बीपीसीएल वैसे तो डाइवेस्टमेंट कर रहा है, प्राइवेटाइजेशन कर रहा है टू बी मोर प्रिसाइज, लेकिन इस प्राइवेटाइजेशन के लिए कुछ यू नो प्री क्राइटेरिया थे जो इसको फुलफिल करने थे, उसमें से ये एक था कि जो बीना रिफाइनरी जो कि भारत ओमान रिफाइनरी है उसमें जो बचा कुछ 36.6% के आसपास का हिस्सा है वो इस कंपनी को खरीदना था। अब ओमान रिफाइनरी जो है ओमान ऑयल उनके पास 36.6% हिस्सा था, इस कंपनी के पास करीब करीब 63% के आसपास का हिस्सा था और इसको खरीदने की बात इस कंपनी ने पहले की थी, लेकिन अब ये डील जो है वो पूरी हो चुकी है। 2400 करोड़ में ये डील पूरी की गई है और 27 रुपए प्रति शेयर के आसपास में ये डील पूरी की गई है। अब इसके बाद होगा क्या, देखिए इसके बाद जो भारत ओमान रिफाइनरी यानी कि जो बीना रिफाइनरी है वो इस कंपनी की 100% सब्सिडरी जो है वो बन जाएगी। तो इसके बाद इस कंपनी के पास मुंबई में, कोची में, बीना में और असम में टोटल मिला के अगर देखेंगे तो 38.3% जो कैपेसिटी थी उसमें से असम की जो कैपेसिटी है वो तो गई, तो उसके बाद जो बची कुची कैपेसिटी है वो कंपनी के पास बचेगी जिसका कंपनी डाइवेस्टमेंट करेगी। अब बीना रिफाइनरी में अगर 100% कंपनी स्टेक खरीद लेती है तो इसके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन काफी ज्यादा, एक बात समझिए। एक तो बीना रिफाइनरी के जो जीआरएम से वो ओवरऑल जो बीपीसीएल के जीआरएम से उससे काफी बेहतर है, बीपीसीएल का स्टैंडर्ड जीआरएम अगर आप देखें तो करीब $2.50 के आसपास है जबकि बीना रिफाइनरी का करीब $5.60 के आसपास था FY20 में, जो कि अब और बढ़ गया है। क्यों? बीना रिफाइनरी एक लैंड लॉक स्टेट में है यानी कि वहां पे जो इन्वेंट्री है इनको ऑयल की वो बना के रखनी पड़ती है, इसके लिए इन्वेंट्री गेन जो है बीना रिफाइनरी में काफी ज्यादा होता है जिसके कारण ये आपको जीआरएम में गेन्स देखने मिल रहे हैं। एम्प्लॉय कॉस्ट जो है बीना रिफाइनरी का सबसे कम है, करीब $0.3 पर बैरल के आसपास है जबकि बीपीसीएल का $0.9 के आसपास है। इसके अलावा ये जो डील हुई है एंटरप्राइज वैल्यू अगर आप देखेंगे एक नई रिफाइनरी लगाने के लिए तो करीब $360 के आसपास आती है और 350 से $380 के आसपास आती है और ये डील जो है वो $360 के आसपास हुई है। तो अगर आप देखेंगे तो 100% सब्सिडरी ये बन जाएगी तो वैल्यूएशन वैसे ही जो है इस कंपनी के और ऊपर हो जाएंगे क्योंकि 36% स्टेक भी इन्होंने खरीद लिया है। तो ये तो फाइनेंशियली एक अच्छी स्टेबिलिटी कंपनी को देगा जिसके कारण वैल्यूएशन बढ़ेंगे, लेकिन इसके साथ साथ एक जो दबी जबान में बातें की जा रही है मार्केट में कि ये स्टेक खरीदने की वजह से आगे जो नंबर ऑफ बिडर्स है इस कंपनी के वो और बढ़ सकते हैं और हो सकता है कि सऊदी अरब को जो है वो भी इस कंपनी में इंटरेस्टेड हो, क्योंकि जाहिर सी बात है आप सब जानते ही है कि जहां ओमान है वहां शायद सऊदी नहीं है और अब अगर ओमान निकल गया है तो सऊदी की एंट्री हो सकती है, तो उस प्राइवेटाइजेशन की तरफ ये एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है, इसको आपको समझना होगा। ओके, तो काफी सारे डेवलपमेंट है बीपीसीएल के विनिवेश को लेकर, क्या ये एक बड़ा कदम बन सकता है ये समझना जरूरी है। जैन साहब आज सुबह तो आपकी रिकमेंडेशन लिस्ट में भी था बीपीसीएल, कैसे समझे इस डेवलपमेंट को डाइवेस्टमेंट के लिए एक और अहम कदम सर? बिल्कुल बिल्कुल, और मैंने जब सुबह सुबह पिक ऑफ द वीक दे रहा था तो मैंने बीपीसीएल के बारे में और यही स्टेटमेंट मैंने दिया था कि ये जिस तरीके के डेवलपमेंट्स है ये सब कंपनी को और ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव बनाने के लिए और जो बीडर्स आएंगे प्राइवेटाइजेशन के लिए तो शायद हमारे जो शेयर होल्डर्स है उनके लिए तो बहुत बढ़िया न्यूज है। एंड बिल्कुल आज करेक्शन का दिन है, जहां पे भी नीचे आए लेके ही काम करना, और ऑलरेडी अनिल जी ने भी थर्सडे के दिन इस स्टॉक को दिया ही था और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में और सारे ही दिग्गज हमारे जितने भी पैनल के एनालिस्ट है सबने ही दिया है। सो आई एम वेरी बुलिश ऑन द स्टॉक और मुझे लगता है कि जो करेक्शन है उसको अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए और इसको खरीद के ही काम करना है, बहुत बढ़िया रिटर्न्स बनेंगे ऐसा मेरा मानना है। फंडामेंटल्स बढ़िया और बढ़िया न्यूज है और कहीं ना कहीं अगर और किसी को अगर ऑप्शंस के साथ खेलना है तो पुट राइटिंग करते रहिए, 380-400 रुपए की बढ़िया ब्याज की इनकम भी आ सकती है क्योंकि ये सितंबर तक आपको हर महीना कुछ ना कुछ और रिटर्न देते रहेगा। बट ओवरऑल इट्स अ गुड बाय।